I beg to remain, sir, your most obedient servant. पिछले दो दिनों से राहुल गांधी लगातार वीर सावरकर को लेकर टिप्पणियां कर रहे थे। वीडी सावरकर, ये सावरकर जी ने लिखा। आज सावरकर के कथित माफीनामे की चिट्ठी लहरा रहे थे। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है। उलट पलट कर दिखा रहे थे और आखिरी की लाइन पढ़कर भी सुनाई। I beg to remain, sir, your most obedient servant. V.D. Savarkar. हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल जो चिट्ठी दिखा रहे थे वो 1920 की गृह मंत्रालय के दस्तावेज थे। उसमें सावरकर बंधुओं को लेकर हुई कार्यवाही के ब्यौरे थे। इस पर सावरकर की अर्जी खारिज होने की बात लिखी है। फिर पेज 219 पर सजा माफी वाले उदाहरण और ब्रिटिश राज के साथ काम करने को तैयार होने वाली बातों को हाईलाइट किया गया है और पेज नंबर 220 पर सावरकर जी के दस्तखत वाले हिस्से को हाईलाइट किया गया है। सबको दिलवा देता हूँ। एक ये मोहन भगवत जी को भी भिजवा दीजिए। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अपने परिवार के बाहर किसी को स्वतंत्रता सेनानी मानने को तैयार ही नहीं है। कौन बड़ा नेता है, गांधी परिवार बताए? इंदिरा गांधी सच बोल रही थी या ये राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, वीर सावरकर एक सपूत थे हिंदुस्तान के, एक बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। देखिए, जहां तक ये गांधी परिवार का सवाल है, ये गांधी परिवार को लगता है केवल और केवल उनके परिवार के सदस्य ही स्वतंत्रता संग्रामी थे। महाराष्ट्र की जमीन पर बैठकर राहुल गांधी ने मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के युग पुरुष वीर सावरकर के अपमान की नई कोशिश की तो विरोध बढ़ गया। नागपुर से ठाणे तक लोग राहुल के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। महाराष्ट्र की सत्ता में जो कांग्रेस के साथ थे वे भी भड़क गए। जे राहुल गांधी बोलले त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आमच्या मनात अतीव आदर आणि प्रेम निष्ठा आहेतच। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कहती है कि अगर बीजेपी वीर सावरकर का इतना सम्मान करती है तो हिंदुत्व के पुरोधा सावरकर और बाला साहेब दोनों को भारत रत्न क्यों नहीं देती? हिंदुहृदय सम्राट स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारत रत्न द्यायला हवा, का दिला जात नाही? इतकंच कशाला? हिंदुहृदय सम्राटांविषयी आपल्याला इतकंच प्रेम आहे तर बाळासाहेब ठाकरेंनाही सावरकरांच्या बरोबर भारत रत्न मिळाला पाहिजे। दुसरी तरफ वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने तो मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी के खिलाफ केस करने का फैसला किया। रंजीत सावरकर का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप है, इसलिए राहुल विवाद करके सुर्खियों में आना चाहते हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और साहिल जोशी के साथ सुप्रिया भारद्वाज, दिल्ली आज तक।